पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष शिवाजी शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूर्व पार्षद एकता मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य बहुत ही गहनता के साथ पूर्व पार्षदों के घरों में जाकर कुशल क्षेम पूछकर उन्हें पार्षद एकता मंच से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व पार्षद एकता मंच के द्वारा शहर के विकास के मामले में भी पूर्व पार्षद पूरी भागीदारी देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल रविवार को पूर्व पार्षद एवं महापौर का एक सम्मेलन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष शिवाजी शुक्ल ने कहा, शिवाजी शुक्ला अध्यक्ष पूर्व पार्षद एकता मंच। आज की प्रेस वार्ता पूर्व पार्षदों को संगठित करने, उनकी मदद करने के साथ साथ अब हमारी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब सबको अनुशासित ढंग से लेकर चलते हुए जन समस्याओं से जोड़ने की है। और जन समस्याओं के मुद्दे पे भी अब हम लोग सड़क पे आने के लिए, अधिकारियों घेरने के लिए अब हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। इसी संदर्भ में कल हम लोगों ने नगर आयुक्त और महापौर को घेरा था। पूर्व पार्षद जाते हैं नगर निगम में, बैठने की कोई जगह नहीं होती है। जितने पदेन सदस्य हैं, चाहे विधायक हो सांसद हो, जाते हैं कोई चपरासी भी नहीं पूछता है। तो ये भी सवाल उठा कि उनके बैठने के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था हो। और महापौर ने कहा कि जो नया बन रहा है नगर नियम का हाल, उसमें एक कमरा हम आपको देंगे। ये बात महापौर से हो गई। उसके बाद ये तय किया गया है कि 11 अप्रैल को सभी पूर्व पार्षद पांचों बोर्ड के, जिनकी संख्या लगभग 350 के करीब होती है, उनको लेकर के और जो महापौर हैं पूर्व महापौर उनको लेकर के एक हम गोरखपुर में सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इस सम्मेलन को सफल करने के बाद फिर हम राज्य स्तरीय सम्मेलन लखनऊ में करेंगे। सम्मेलन में कहाँ कहाँ के पार्षद भाग लेंगे? इस सम्मेलन में पूरे गोरखपुर शहर के लोग प्लस टाउन एरिया के लोग, ये सारे पार्षद रहेंगे। पहला सम्मेलन गोरखपुर का ही होगा।